हाय फ्रेंड, मैं उदय मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर लूप के एक एग्जांपल के बारे में, क्वेश्चन के प्रॉब्लम के बारे में हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ अ सीरीज। ठीक, 1 to 10 तक हमारा सम ऑफ अ सीरीज है, कोई सीरीज दिया है उसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर सम करेंगे सीरीज का। इसके लिए हमें एक प्रोग्राम लिखना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका एल्गोरिथम समझ लेते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है इसका। तो एल्गोरिथम के लिए हम सबसे पहले हम प्रॉब्लम पर ही यदि बात करें तो देखते हैं कि जैसे 1 + 1 + 2 + 3 ऐसे +4 + 5 इसी तरह 10 तक प्लस प्लस करके आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हर बार हम 1 में इंक्रीमेंट करें 1, 2 हो जाएगा, उसे ऐड करें, फिर जो ऐड एक हम वेरिएबल, सबसे पहले हम वेरिएबल बनाते हैं ना। तो वेरिएबल बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, एल्गोरिथम क्लियर होना चाहिए। तो एल्गोरिथम हम समझते हैं। तो जैसे 1 में 1 ऐड होके 3 हो जाएगा, फिर जो हमारा 2 है इस 2 में 1 इंक्रीमेंट होके 3 हो जाएगा, और फिर हम 3 भी ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, यानी हम 10 टाइम तक ये करते रहेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले, आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा कि यहाँ पर हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमें इसमें यहाँ पर आवश्यकता होती है ये बताने की कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए। तो हमने स्टार्ट किया 1 से यहाँ पर। इसके लिए यह चीज़ क्या होता है, इसे हम इनिशियलाइज बोलते हैं, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है। देन हमें क्या आवश्यकता होती है कि क्या कितना टाइम ये स्किप हो रहा है, या इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि हर स्टेप में या हर टर्म में 1 इंक्रीमेंट होके और ऐड हो रहा है। देन अब यहाँ पर हमें क्या कंडीशन बतानी होती है कि कहाँ तक ये करना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कंडीशन भी हमको बता रखा है कि 10 टाइम तक ये करना है आपको। तो यहाँ पर 3 चीज़ हैं, और 3 चीज़ जहाँ होती हैं, जहाँ हमको इनिशियलाइज करना होता है, कंडीशन बताना होता है और अपडेशन बताना होता है, इन 3 चीज़ जहाँ होता है वहाँ पर हम फॉर लूप का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम फॉर लूप का यूज करेंगे। अब हम यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम देखते हैं, तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमें ये पता चल गया कि फॉर लूप का यूज करेंगे। तो जो फॉर लूप का यूज करेंगे इसमें, तो हम क्या करेंगे कि कोई वेरिएबल लेंगे फॉर लूप के लिए। तो हमने कोई वेरिएबल लेते हैं फॉर लूप के लिए, आई ले लेते हैं। देन हम क्या लेते हैं, अब ये जो सम होगा, इन सम को जितने हम सीरीज का सम करेंगे, अब इन सम को हम स्टोर कहीं तो करेंगे, इसके लिए भी कोई वेरिएबल लेंगे। वेरिएबल मतलब जैसे हमने कोई सामान खरीदा तो उसके लिए कोई जगह तो होगी कहाँ रखा जाए, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल लेंगे। अब वह वेरिएबल हम सम है तो हम सम ही ले लेते हैं। अब हम वेरिएबल यहाँ पर एक सम लेते हैं हमने यहाँ पर। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि नंबर हमारा जो है वो इंटीजर है। अब यहाँ पर हम इसको वेरिएबल को बताएंगे ना कि ये इंटीजर नंबर डिक्लेयर के डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है, तो इंट यूज करेंगे। हमने इंट यूज किया, ठीक, हमने यहाँ पर इंट यूज किया। देन हमने क्या यूज किया, आई वेरिएबल यूज किया, किसके लिए, फॉर लूप के लिए। देन हमने क्या यूज किया, सम यूज किया, किसके लिए, जो हमारा सम होगा सीरीज उसका, उसे ऐड करने के लिए, इक्वल टू ज़ीरो। हमने क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पर कोई गार्बेज वैल्यू, जैसे गार्बेज वैल्यू ना स्टोर हो सके, उसके पहले हमने इसमें इंक्लूड करा दिया 0। देन अब उसके बाद में हम बात करते हैं फॉर लूप की। तो फॉर लूप का यूज करेंगे, किस तरह यूज करेंगे आप लोग देखेंगे। जैसे सम ऑफ, ठीक है,
फॉर लूप हमें 10 टाइम चलाना है, तो हम 10 टाइम फॉर लूप के लिए सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे 1, देन हमने इनिशियलाइज वो कंडीशन बता रखी है 10 तक, देन हमने इंक्रीमेंट 1 टाइम हमने इंक्रीमेंट करने को बताया है यहाँ पर, तो हर बार यह इंक्रीमेंट 1 टाइम होता रहेगा। देन हमने कर्ली ब्रैकेट का यूज किया, देन सम। अब सम में सम हमारा कितना है, सम हमने वेरिएबल भी ले रखा है, उसके बाद में इक्वल टू सम, सम हम सम में हम 0 स्टोर करा रखे हैं। अब हम सम में 0 स्टोर करा रखे हैं, यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा फर्स्ट टाइम में, देन आई 1 टाइम हमारा इनिशियलाइज होगा, इनिशियलाइज हमने 1 कर रखा है, यानी 1 से स्टार्ट होगा, 1 स्टोर होगा, यहाँ पे फर्स्ट टाइम में क्या होगा 1 स्टोर होगा। फिर सेकंड टाइम लूप जब चलेगा तब सेकंड टाइम सबसे पहले हमारा कंडीशन चेक करेगा कि 1 सबसे पहले यहाँ से फर्स्ट टाइम चला, देन हमारा यहाँ पर आएगा इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होके फिर देन हमारा क्या होगा, फिर कंडीशन चेक होगा, कंडीशन यदि ट्रू है फिर यदि कंडीशन ट्रू है फिर यहाँ पर आके हमारा स्टोर हो जाएगा, यहाँ पर 2 था यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 था यानी 3 हो जाएगा। फिर इसी तरह हमारा कितने टाइम तक 10 टाइम तक ये चलता रहेगा लूप, और उसके बाद में हम फिर क्या करेंगे, इसे जो कर्ली ब्रैकेट है यानी स्टेटमेंट को हम क्लोज कर देंगे, उसके बाद में हम फिर प्रिंट करा लेंगे जो सीरीज हमारी होगी। तो हमने सम ऑफ द सीरीज इज परसेंट डी, इंटीजर हमने यूज कर रखा इसलिए हम परसेंट डी का यूज करें, और सम ऑफ द सीरीज ये हमारा प्रिंट होगा इसी तरह, और जो सम में प्रिंट होके आएगा नंबर्स वो क्या होगा, सम होगा। ठीक, अब हमारा यहाँ पर पूरी तरह से रन होके और सम आ जाएगा 1 से 10 तक। ठीक, अब आप लोग यदि इंक्लूड यहाँ पर 1 से 10 तक करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या होगा, सम ऑफ द सीरीज इज 50, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आई होगी और हमारा जो है एल्गोरिथम भी समझ में आया होगा, तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसके बाद में कमेंट ज़रूर करें, बताएं हमें कि कैसा लगा वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय बाय, गुड नाइट।